तो सबसे पहला काम जी लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं अभी। ये आ गए जी बाकी मसाले। माशाल्लाह जी लुक चेक करें जी अभी जो बन रही है। और तो अभी जी ये मुर्गी के ऊपर मसाला लग गया, लाओ से हमने दम उतार दिया और खुशबू भी बड़ी प्यारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो करते हुए जी शुरू। तो आज की वीडियो जी बहुत मज़े की होने वाली है। आज दोस्तों की छोटी सी गैदरिंग है, छोटी सी नहीं कह लें, काफ़ी बड़ी गैदरिंग है और इंशाल्लाह अच्छा माहौल होगा। और अभी टाइम हो रहा है शाम का, लेट वीडियो शुरू कर रहा हूँ क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनेगी, तो मैंने कहा शाम को वीडियो शुरू करेंगे ताकि वो सारा ईजिली कवर हो जाए। तो पार्टी किस खुशी में है, एक दोस्त हमारे वो दे रहे हैं, तो वो भी आपको आने वाले चंद दिनों तक पता चल जाएगा कि किस खुशी में पार्टी है। और बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं रात को पार्टी में। मैं चाहिए यहाँ। तो सबसे पहला काम जी लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं अभी। इधर जी आग रेडी कर रहे हैं अभी क्योंकि लकड़ियाँ जलानी है, लकड़ी जलाने में आग रेडी करने में टाइम लगता है। तो अभी जी अपने कुकिंग शुरू करते हैं। आज 3 से 4 डिशेस बनेंगी इसलिए जल्दी शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले जी हम लोग तैयार करना शुरू करते हैं रोश, रोश बोल लें या बलोची दमपुख बोल लें। तो पहले उसकी रेसिपी वगैरह तैयार करते हैं सारी। अभी ये आ गए जी मोटा गोश्त, आज जी बनेगा जी सॉरी बलोची दमपुख और चिकन दमपुख, साथ में बनेगा जी पुलाव। और इसके लिए चाहिए होता है हमें गोश्त और साथ में चर्बी भी चाहिए होती है अच्छी खासी, यानी 3 हिस्से गोश्त के और 1 हिस्सा चर्बी का। तो अभी जी सबसे पहले हम लोग तैयार कर रहे हैं रोश। रोश के लिए जो चीज़ें चाहिए आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, यहाँ से मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो शुरू करने में। सबसे पहले नीचे चर्बी लगाई है, ऊपर जो बाकी गोश्त की बोटियाँ हैं कुछ, और बाकी ये आलू प्याज और सब्ज़ मिर्चें होगी, टमाटर वगैरह, और ये सारे चीज़ इस तरह जी बड़े बड़े इनके पीस करके और देखते में डाल लेना। और ये जी लहसुन और अदरक के भी बड़े बड़े पीस, इसको रोश बोल लें जी या कह लें बलोची दमपुख, एक ही नाम है जी दोनों डिशेस का। ये जी नीचे सारी चर्बी और ऊपर सारा मिक्स करके जी, पहले गोश्त फिर ऊपर सारी जो चीज़ें हैं ये आलू प्याज वगैरह ये डालना है, इसके ऊपर फिर गोश्त फिर बीच में चर्बी सारा कुछ मिक्स करके। और अभी ये जी सारा कुछ इस तरह फैला देना है और एंड पे हम लोग कवर करेंगे जिसको ढक्कन लगा के, और बाकी साइडों पे आटे से ना इसको बंद कर दे के हवा वगैरह लीक ना हो, हवा या ईंट कह लें ईंट बाहर निकले। ये जी आलू के बड़े बड़े पीस और ये जी लीमों के भी 2 हिस्से करके वो भी डाल लेने। ये जी अदरक के बड़े बड़े पीस, सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह। अभी टमाटर पूरा पूरा जी। अवैस भाई आज आप क्या बना रहे हैं? आज जी मैं कुछ नहीं बना रहा जी, ये हमारे शेफ हैं जी, बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज की बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। हाँ जी अभी बनेगा जी रोश। अच्छा रोश 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 नाम अभी जी खास पता नहीं है, बन रोश रहा जी अभी देखते हैं। आप क्या कहते हैं कि जितनी मेहनत हो रही है डिश कैसी बनेगी? इंशाल्लाह जी उम्मीद है जी बहुत ज़बरदस्त डिश बनेगी आज। वैसे भी 3 से 4 डिशेज बनेंगे जी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पुराने शेफ हैं माशाल्लाह। अभी आज ही ऊपर गरम मसाला, ये जी ये आ गए जी बाकी मसाले, ये ऊपर आ गए जी काली मिर्चें। अभी माशाल्लाह लुक चेक करें जी गोश्त की। ये तो गया, मैं 10 साल ही मैंने ये कुकिंग का काम किया। सिरका बाकी ये अभी गया जी सिरका, बस अभी गया जी सोया सॉस
अभी गया जी चिली सॉस, अभी गया जी नमक, नमक अभी नमक डाले जी, हसबे जायका डालना है। माशाल्लाह जी, लुक चेक करें जी अभी जो बन रही है, और अभी इंशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त बनेगा, उम्मीद यही है। ये देखिए हर चीज़ पड़ी हुई है बीच में, ये साइडों पे घी भी डला हुआ है बीच में, माशाल्लाह। अभी जी ये जो रोश हमारा पड़ा हुआ है जिस देखचे में, उसकी साइडों पे पहले लगाते हैं आटा, आटे के ऊपर भी ढक्कन लगा देंगे कि इसके अंदर से ना इसकी हीट वगैरह भाप वगैरह बाहर ना निकले। तो ये जी अभी रोश हमारा कवर हो गया, इसके ऊपर ढक्कन लगा रही है, अभी साइडों से इसको आटे से बंद कर लेंगे। ये अभी जी पुलाव के लिए ना प्याज काट रहे हैं हम लोग। ये जी ये सारे मसाला जात जो हैं ये पुलाव के लिए तैयार हो रहे हैं, प्याज काट लिया है, टमाटर, धनिया वगैरह और मिर्ची वगैरह सारा कुछ। और इधर जी आग हम लोग रेडी कर रहे हैं चिकन के दम पुख्त के लिए, और रोश के लिए भी आग यहीं से कोयला वगैरह निकालेंगे, लकड़ियाँ वगैरह। अभी जी इसको रोश को रखेंगे जी तेज़ आग पे, और बाद में ना कोयले के ऊपर रख लेंगे। ये आग जी ऊपर रोश हमारा, इस देखचे के ऊपर ना अच्छा भारी वजन रख देंगे कि इसकी ईंट बिल्कुल बाहर ना आए जी, क्योंकि सारा इसने पकना इसी की बाप में है। तो अभी जी हमारी तैयारी है दूसरी डिश की, और अभी लगेंगे चिकन के दम पुख्त, चिकन को जो है कट वगैरह लगा लिए। अभी चिकन का मसाला तैयार करते हैं जी। सबसे पहले जी मसाले के लिए जाएगा दही, जो चिकन के दम पुख्त के ऊपर लगाएंगे जी मसाला, तो वो तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले दही, तो अभी इसमें डालेंगे जी चिकन टिक्का मसाला, ये आ गया जी चिकन टिक्का मसाला, और बाकी चीज़ें भी इसमें डाल के मिक्स करेंगे जी। अब जी इसमें सॉस मिक्स कर लेंगे, पहले डालेंगे चिली सॉस, अभी इसमें डालेंगे जी सोया सॉस, ये सब कुछ जी हसबे जायका डालें अपने टेस्ट के लिहाज से। और सिरका, अभी ये जी सारा कुछ मिक्स कर लिया, और ये गया जी मुर्गी, अभी मुर्गी की जहाँ कट लगाए ना वहाँ पर सारा मसाला भर लेंगे जी इस तरह। ये जी चिकन के ऊपर सारा मसाला लग गया। तो अभी जी ये मुर्गी के ऊपर मसाला लग गया, अभी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इनको मैरिनेट होने के लिए रख लेंगे। और ये जी अभी मैरिनेट होने के लिए चिकन भी पड़ा हुआ है, और साथ में जो प्याज टमाटर वगैरह चाहिए हमें चावलों के लिए, तो वो भी रेडी कर रही हैं।
ये जी इधर अदरक सब्ज मिर्चें और लहसुन वगैरह, बाकी प्याज धनिया और टमाटर वगैरह। अभी जी ये चिकन थोड़ी देर मैरिनेट हो जाए, इसके ऊपर ये लगाएंगे जी कली फॉइल जो होती है एल्युमिनियम पेपर, इससे कवर कर लेंगे। अभी ये गया जी मसाला, पुलाव मसाला जो है, ये नमक मिर्च, अभी इस पर डालते हैं टमाटर, अभी इसमें डाले जी आलू। अभी जी मुर्गी को रखते हैं कोयलों पर, ये जी ये आग जी मुर्गी कोयलों पर, ये आग जी मुर्गी कोयलों पर और साथ में रोस्ट पड़ा हुआ जी देखचे में, और उस वाले देखचे में जी मसाला तैयार हो रहा है चावलों के लिए। और ये गया जी चावलों के मसाले में पानी, पानी भी नाप के जी डालना है, अगर 2 कप है चावल 4 कप पानी तो इसी हिसाब से डालेंगे जी। अभी ये जी चावलों का मसाला जो है इसमें उबाल आ गया, पानी में डाला था उसमें उबाल आ गया, अभी इसमें डालते हैं जी चावल। ये गए जी चावल इसमें, अभी इसको हिला लेंगे जी। और अभी थोड़ी देर इसको रखेंगे, थोड़ा सा उबाल आ जाए और फिर इसको दम लगा लेंगे जी। और ये जी अभी चावलों में ना हल्का सा उबाल आ रहा है, अभी नमक मिर्च वाला चेक करेंगे और फिर कुछ देर बाद इसको दम लगा देंगे। और ये जी चावलों को दम लगा रही है और हल्की आंच पे, नीचे आग नहीं चल रही, सिर्फ कोयले पड़े हुए हैं, और यहाँ से आपको हल्की सी आवाज़ आ रही होगी रोश की ये। अभी जी रोश के ऊपर से ये आटा उतारते हैं, और ये जी पुलाव से माशाल्लाह से हमने दम उतार दिया और खुशबू भी बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। वेलकम बैक हो गया जी आपका वीडियो में। अगले दिन शाम को, तो रात को जी कल काफ़ी बैड लक हो गई थी, मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मोबाइल ऑफ हो गया था तकरीबन एंड पे, और चौथी डिश जो है वो बिल्कुल मैं दिखा नहीं सका, जो आलू बुखारे की चटनी बनाई थी हमने, तो वो ज़रा भी नहीं रिकॉर्ड हो सकी, चार्जर भी नहीं था, तो बस यही प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद वीडियो नहीं बन सकी। और बस जी रात को अल्हम्दुलिल्लाह रोस्ट भी बड़ा बेहतरीन बन गया था, और हमारे जो चिकन के दम पुख्ते वो भी टॉप क्वालिटी के बने थे, और चावल जो है एंड पे दम उतारते हुए ना छोटी सी वीडियो पड़ी है तो वो भी लगाई है, और चावल बड़े बेहतरीन बन गए थे। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह रात को जी सब कुछ बड़ा बेहतरीन हो गया था, तो वीडियो एंड करने वाले रह गई थी, तो अभी करते हैं वीडियो एंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।